दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके साथ दीक्षा एक बार फिर हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग किस्से के साथ। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरेस्टिंग किस्सा किसका हो सकता है, तो आपको बताते हैं आज लारा दत्ता के बारे में। और लारा दत्ता के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर किस तरह से महेश भूपति के साथ उनका रिश्ता रहा और किस तरह से उनकी ज़िंदगी में महेश भूपति की एंट्री हुई। तो आपको बता दें कि महेश भूपति ने भी लारा दत्ता के साथ अपनी जो शादी का रिश्ता था उसको ब्रेक दिया। जी हाँ, महेश भूपति की पहले ही शादी हो रखी थी, 7 साल लंबी शादी ये चली, लेकिन लारा दत्ता की जब एंट्री हुई तो उन्होंने डाइवोर्स देना ही बेहतर समझा और अब दोनों साथ में हैं। यानी कि लारा दत्ता और महेश भूपति दोनों साथ में हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिता रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि लारा दत्ता की ज़िंदगी में भी पहले दो शख्स थे जिसके बाद ही महेश भूपति की एंट्री हुई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि एक का नाम है डीनो मोरिया तो दूसरे का नाम है काइली। साथ ही आपको बता दें कि इन दोनों की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है लारा दत्ता से जुड़ी हुई। तो आपको बता दें कि सबसे पहले एंट्री हुई थी काइली की, जो कि बेहद ही खास रहे लारा दत्ता की। हालांकि इनके जो रिलेशन की बातें थी, जो चर्चा थी, वो भी तेज़ रही। और जब इनकी एग्ज़िट हुई तो उसके बाद एंट्री हुई डीनो मोरिया की। और साथ ही डीनो मोरिया की जब एग्ज़िट हुई तो उस समय एंट्री हुई महेश भूपति की। और महेश भूपति के साथ लारा दत्ता की जो मीटिंग थी, वो सबसे पहले मीटिंग उस समय हुई जब ये एक बिजनेस मीट के दौरान मिले। हालांकि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि लारा दत्ता जो कि 2000 सन में ही मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं, उनको कौन नहीं जानता। और साथ ही महेश भूपति जो कि टेनिस के एक अच्छे खासे प्लेयर हैं, उनको भी कौन नहीं जानता। दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन इतना नहीं कि दोनों शादी के बंधन में बंधे। हालांकि बाद में इनकी जान पहचान हुई, दोस्ती जो है वो प्यार में बदली, और इसके बाद इन्होंने ये फैसला लिया कि महेश भूपति अपना डाइवोर्स कर लारा दत्ता से शादी करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका में दोनों ने डिनर डेट की और वहीं पर महेश भूपति ने लारा दत्ता को अपनी बनाई हुई यानी कि खुद की डिज़ाइन की हुई रिंग भी पहनाई थी, जिसके बाद से ही दोनों की लव स्टोरी जो है थोड़ी और आगे बढ़ी। साथ ही आपको बता दें कि दोनों ने वैलेंटाइन के मौके पर शादी की, 2011 में ये शादी हुई, और उसके बाद से ही दोनों हर वैलेंटाइन को अपनी शादी की सालगिरह तो मनाते ही हैं और वैलेंटाइन का मौका भी छोड़ते नहीं हैं। अगर आपको ये किस्सा लारा दत्ता से ज़िंदगी से जुड़ा ये किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।